हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ अमित झाला फ्रॉम आशापुरा स्कूल। टुडे इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू सब्जेक्ट एसपीसीसी ऑफ स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आज का हमारा क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 109 पर दिया गया है। सबसे फर्स्ट ड्यूटीज, सबसे पहले तो जब मीटिंग करनी हो शेयर होल्डर की, तब सेक्रेटरी की ड्यूटी ये बनती है कि एक नोटिस तैयार करके मीटिंग से 21 डेज पहले नोटिस जो है वो शेयर होल्डर को भेजना। ये ड्यूटी किसकी है? सेक्रेटरी की। सेकंड ड्यूटी इज प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द वर्क इज टू डन एट द मीटिंग। मीटिंग के अंदर कौन कौन से एजेंडा होने वाला है, एजेंडा मीन्स कौन कौन से काम होने वाले हैं, तो उसका भी लिस्ट तैयार करें। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करने के हो तो वो भी एजेंडा के अंदर इंक्लूडेड करना जरूरी होता है। तो ये भी ड्यूटीज किसकी है? सेक्रेटरी की। पॉइंट नंबर 3, जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी कॉल्ड अ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो उसके लिए जनरल मीटिंग जरूरी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू मेंटेन द मिनट्स बुक व्हेन द मीटिंग इज गोइंग ऑन। जब मीटिंग चल रही है तब मीटिंग के दरमियान मिनट्स बुक मेंटेन करना जरूरी है। मिनट्स बुक से यानी कि मीटिंग में कौन कौन से काम हुए, कौन कौन से नहीं हुए, ये है मिनट्स बुक। उसके बाद अगर वोटिंग हो रही है तो वोटिंग को काउंट करना और उसे नोट करना, ये भी काम किसका है? सेक्रेटरी का है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, टू मेक अ नेसेसरी अरेंजमेंट टू सेट अ कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन अबाउट अल्टरिंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर द रजिस्ट्रार विदिन 30 डेज। अगर कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो तो उसकी कॉपी, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार को जो है भेजना जरूरी है बिफोर विदिन 30 डेज हैविंग द पास्ट इन अ जनरल मीटिंग। पॉइंट नंबर 5, मीटिंग की प्रोसीजर जो भी हो रही है उसकी प्रोसीजर की जो है नोट तैयार करना जरूरी होता है। इसमें स्पेशल टाइप्स की जो है मिनट्स बुक्स जो है वो इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 6, द मैट अरेंजमेंट टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल इन एनी मैटर वेयर द सेम इन अ नेसेसरी। अगर ये ट्रिब्यूनल की परमिशन लेनी जरूरी हो तो उसका अरेंजमेंट भी करना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 7, आफ्टर हैविंग इंक्लूडेड द अल्टरेशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द न्यूली प्रिंटेड कॉपी ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज टू रजिस्टर बिफोर द रजिस्ट्रार इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड। यहाँ पर यह बताया गया है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंजेस करना है या हुआ है तो उसके नई जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करना जरूरी होता है। द अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर हैविंग रजिस्टर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार। उसके बाद बताया गया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस हुआ है तो रजिस्ट्रार के पास जो है वो उसके कॉपी कंपलसरी आपको सबमिट करवानी होती है। उसके बाद दिया है डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पेज नंबर 112 पर सिंपल दिया गया है। इट इज अ प्रिस्यूम दैट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी आर अवेयर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे पर्सन है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जानते हैं, ऐसा मान लिया जाता है। एंड जनरल पर्सन ऐसा मान सकते हैं कि कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन करती है, तो ऐसा मान लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब वहां पर देखते हैं एग्जम्पशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो एग्जम्पशन में क्या बताया गया है, तो दिया है द कंपनी हैज नो पावर टू डू पर्टिकुलर वर्क। अगर कंपनी के पास पावर नहीं है काम करने का और काम किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल वहां पे लागू नहीं हुआ है। व्हेन द डॉक्यूमेंट्स इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड करके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हो तो भी जो है वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट नहीं काम किए गए। ये है सारे के सारे एग्जम्पशंस। पॉइंट नंबर 3, व्हेन द थर्ड पार्टी नोन अबाउट द इरेगुलरिटी, थर्ड पार्टी इरेगुलरिटी जो है देखने को मिलता है, इरेगुलरिटी की जान जो है इन्फॉर्म
थर्ड पार्टी को होता है तो भी वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज नहीं हुआ है। नो इंक्वायरी इज मेड व्हेन इट इज अननेसेसरी, जरूरी है फिर भी इंक्वायरी नहीं हुई है या कभी तपास नहीं हुई है तो भी उसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में काउंट नहीं करते। अगर द वर्क ऑफ एनी ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी सर अप्रेसेंटली बियॉन्ड द पावर, पावर के अलावा भी कोई काम किया है तो ऐसे काम को भी काउंट नहीं किया जाता। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, कंपलसरी टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, बट उसकी जगह पर आप जो है इफ अ कंपनी डज नॉट प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट इट कैन एडॉप्ट अ टेबल एफ, टेबल एफ को यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, नेसेसरी फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री मैंडेटरी यानी कि कंपलसरी है बिफोर द रजिस्टर ऑफ कंपनी, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वो टेबल एफ को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बेसिक डॉक्यूमेंट है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है। ऑब्जेक्टिव, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिटरमाइन द एरिया ऑफ वर्क ऑफ द कंपनी, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड बियॉन्ड द एरिया ऑफ वर्क मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट कंपनी काम नहीं कर सकती। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसका ऑब्जेक्टिव है हाउ द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी फंक्शंस। पॉइंट नंबर फाइव, अल्टरेशन चेंजेस, इट इज नॉट इजी टू मेक अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना इजी नहीं होता है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होती है एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन करना पड़ता है और परमिशन भी लेनी पड़ती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना इजी होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन आप पास करके जनरल मीटिंग पास करके एंड ट्रिब्यूनल की परमिशन लेकर आप चेंजेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर सिक्स, लिमिटेशन ऑफ पावर, कंपनी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटीज बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्टिव बताया गया उस पर ही काम कर सकते, उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। इफ इज डन बाय कंपनी इवन द मेंबर ऑफ कंपनी कैन नॉट रेक्टिफाई, अगर उसके अगेंस्ट काम किया है तो कंपनी के मेंबर्स भी उससे अप्रूव नहीं करवा सकते, और ऐसे एक्ट को कहते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखते हैं एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर पावर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट काम हुआ है तो कंपनी के मेंबर्स उसे अप्रूव करवा सकते हैं। रिलेशन विद द आउटसाइड पर्सन एंड पब्लिक एट लार्ज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखते हैं इंटरनल रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर। पॉइंट नंबर एट, सुप्रीमसी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अधीन नहीं, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट अ सबोर्डिनेट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज सबोर्डिनेट टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हो तो उस प्रोविजन को वॉइडेबल काउंट किया जाता है। पॉइंट नंबर नाइन, थर्ड पार्टी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजन का बेनिफिट ले सकते हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में थर्ड पार्टी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर टेन, पार्टिकुलर्स, जिसमें सिक्स क्लासेस इंक्लूडेड है, नेम क्लास, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, कैपिटल क्लास, लायबिलिटीज क्लास एंड सब्सक्रिप्शन क्लास। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड शेयर कैपिटल, इट्स टाइम्स यानी कि टाइप्स, शेयर ट्रांसफर, फॉरफीचर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीटिंग, अकाउंट्स, वोटिंग राइट्स एंड एक्स्ट्रा प्रोविजन, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ एंड नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।